हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। आप लोगों ने हाई स्पीड ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स का नाम तो सुना ही होगा, बट क्या आप लोगों ने कभी हाइपर लूप का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे कि ये हाइपर लूप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और ये इंडिया में कब आने जा रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखते रहें तो आप लोग इस चैनल को अभी के अभी एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आइए जानते हैं कि ये हाइपरलूप क्या होता है। हाइपरलूप एक न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बैठकर सफर कर सकते हैं, और इसको डेवलप किया है रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन ग्रुप ने। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि ये हाइपरलूप काम कैसे करता है। और इस टेक्नोलॉजी में होता ये है कि इसके अंदर जो कैप्सूल शेप्ड कोच है उसको पॉड बोलते हैं, जिसके अंदर लोग बैठते हैं, और इस पॉड को एक ट्यूब में बंद कर दिया जाता है, और ये पॉड मैग्नेटिक फोर्स से चलता है जिसे मैग्लेव कहते हैं। और इस पाइप के अंदर जो हवा भर जाती है उसको निकाल दिया जाता है साइड में लगे वैक्यूम से। तो वैक्यूम ने हवा को ट्यूब से निकाल दिया और मैग्नेट्स और नीचे लगी मोटर ने पॉड को स्पीड दे दी। सो ना अंदर फ्रिक्शन होगा और ना ही एयर ड्रैग, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जो तकरीबन 960 किलोमीटर पर आवर की होगी। और मान लीजिए कि आपको इस पॉड के अंदर बैठ के दिल्ली से मुंबई सफर करना है तो आप लोग ये सफर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में तय कर सकते हैं। देखने और सुनने में तो ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, और हो सकता है कि आप लोग ये भी सोच रहे हो कि यार ये बहुत सालों के बाद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और हाल फिलहाल लास वेगास में इसका फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल हो भी किया है, जिसमें इसको 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर एक इंडियन ने ट्रैवल किया है जिनका नाम है तने मांजरेकर, जो वर्जिन हाइपरलूप के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हैं, और वो पहले इंडियन हैं जिन्होंने हाइपरलूप में ट्रैवल किया है। तो जैसा कि आप लोग ने देख लिया कि वर्जिन हाइपरलूप आने वाले टाइम में एक फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड बन सकता है, बट हर चीज के कुछ फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये आता है तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि इस पर कोई भी मौसम का असर नहीं पड़ेगा, तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या फिर बारिश हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फायदा है एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट ये है कि एक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ओपन ट्रैक्स पे नहीं चलता है जहां पर ना कोई लोग आ सकते हैं ना फिर जानवर, सो ये क्लोज्ड एंड कंट्रोल एनवायरमेंट में रहता है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 1000 से लेके 1200 किलोमीटर पर आवर तक की है। और आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इसके लिए काफी ज्यादा एरिया चाहिए होगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए सीधे ट्रैक्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे एरिया को क्लियर करना पड़ेगा, और अगर रास्ते में कोई बिल्डिंग्स जंगल वगैरह भी आ जाएंगे तो उसको भी क्लियर करना पड़ जाएगा। अगली बड़ी प्रॉब्लम इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका जो फाइनल प्रोडक्शन होगा उसके बाद इसमें सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 28 की ही होगी, क्योंकि ये पॉड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स हो और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और लास्ट पॉइंट है कि ये फास्टेस्ट होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी बहुत होगा, क्योंकि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ऊपर से सीटिंग कैपेसिटी भी काफी कम है, और ये कमर्शियल फ्लाइट से दुगना और हाई स्पीड ट्रेन से 4 गुना ज्यादा तेज है, तो इसका फेयर भी काफी ज्यादा ही होगा। बट वैसे तो कंपनी का कहना है कि ये मेट्रो के फेयर की तरह होगा, बट लगता तो नहीं है, बट अगर ऐसा होगा तो अच्छा ही है। और अब आइए देखते हैं कि वर्जिन हाइपरलूप हमारे इंडिया में कब तक आ सकता है। वर्जिन ग्रुप इंडिया को काफी टाइम से अप्रोच कर रहा है, और 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्जिन ग्रुप के साथ एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने मुंबई से पुणे के बीच का कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया था, जिससे जो 3 से 4 घंटे का रास्ता है वो सिर्फ 20 से 25 मिनट में तय किया जा सके। बट कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इस प्रोजेक्ट को अभी रोक दिया गया है। बट मुंबई पुणे के अलावा भी वर्जिन ग्रुप की लिस्ट में काफी सारी जगह है, जैसे बैंगलोर सिटी, बैंगलोर
एयरपोर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर, पंजाब में अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़ भी प्लान में है। सिर्फ यही नहीं, साल के शुरुआत में वर्जन ग्रुप ने एक और प्रपोजल दिया था जिसमें दिल्ली से मुंबई हाइपर लूप कंस्ट्रक्ट करने के लिए बात की गई थी, जिसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के सामने रखा भी गया था, जिस पर अभी तक कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया है। बट इससे जरूर पता चलता है कि इंडिया वर्जन ग्रुप के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग का इस हाइपरलूप के बारे में क्या सोचना है, अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आज की ये थोड़ी सी हट के वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वरना आप लोग मेरी नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ राइड।